सर, इन दिनों कोरोना का कहर लगातार जारी है, हालांकि दूसरी वेव खत्म हो चुकी है। ऐसे में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, कई लोगों के परिजनों भी चले गए। ऐसे में सरकार और सामाजिक कल्याण द्वारा लोगों की किस प्रकार से सहायता कर रही है? सर, इसके लिए राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा कोरोना मुख्यमंत्री सहायता योजना लॉन्च की गई, और कोरोना मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत में वर्तमान में अपने बाड़मेर ज़िले में 132 विधवा महिलाएं जिनके पति RT-PCR पॉजिटिव कोरोना की रिपोर्ट है उनके पास में, और उनसे है जो कि अपने परिजनों को खोया है, पति को खोया है, तो उन महिलाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा बाड़मेर ज़िले के 132 महिलाओं को है 1 लाख रुपये प्रति विधवा सहायता, प्लस उन विधवा महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने पेंशन जारी कर दी गई है। मतलब उनके बच्चों के लिए भी कोई हुआ? और उनके बच्चों के लिए विधवा महिला, ऐसी विधवा महिलाएं जिन्होंने अपने कोरोना से पति को खोया है, उन बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा प्रति महीने 1000 रुपये, प्लस उनके किताबें, कॉपियां और अन्य प्रकार की जो पढ़ाई की सामग्री खरीदने के लिए एक मुश्त वार्षिक रूप से 2000 रुपये की राशि भी सहायता राशि के रूप में दी गई, जिसमें बाड़मेर ज़िले में लगभग 51 विधवा महिलाओं के 120 बच्चों को आर्थिक सहायता है जो जारी कर दी गई है। और इसके साथ ही बाड़मेर ज़िले में चौहटन के कैरनाडा गांव में एक ऐसा परिवार है जिन बच्चों के पिता है जो कि 2018 में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी माता की है जो अभी कोरोना से डेथ हो गई है। ऐसे तीन बच्चे हैं, उन तीन बच्चों को अभी वर्तमान में उनको 1-1 लाख रुपये, मतलब तीन बच्चों को 3 लाख रुपये की राशि, साथ ही उन बच्चों। भारत जन आवास योजना के तहत अब हर बाड़मेर वासी अपने घर का सपना कर सकेंगे साकार। 1 BHK 1,99,000, 2 BHK 3,99,000, आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। आपको 18 साल जब वो उम्र अपनी पूर्ण करेंगे तब उनको 5 लाख रुपए की उनके खाते में जमा करवा दी जाएगी राशि, और उन ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं उन अनाथ बच्चों को प्रति बच्चे 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रति महीने राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। सर, एक देखा जाए कि बाड़मेर जिला वो सीमावर्ती है और सुदूर क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की कमी के कारण कई लोग ये आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में सर क्या प्रक्रिया है? ऐसे अगर किसी की कैजुअलिटीज हुई है तो वो कैसे आप तक पहुँचे, उनको सहायता कैसे मिल पाएगी? सर, अपने बाड़मेर ज़िले के वर्तमान जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु जी बहुत ही संवेदनशील और इस मामले में अपने जो नियम और कायदे हैं उनसे भी आगे बढ़ते हुए उन लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने अपने उनके निर्देशानुसार एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत में अपने जो SDM, लोकल ग्राम सेवक, पटवारी और अपने जितने भी अध्यापक बंधु है उनका अध्यापक बंधु जिस कोरोना काल के अंदर एक ग्राम स्तर पर एक कोर कमेटी का गठन किया गया था, उस ग्राम कोर कमेटी है उसके माध्यम से इन ऐसे जो परिवार है उन परिवारों का सर्वे करवाया जा रहा है, और सर्वे करवा के लोगों तक प्रत्येक लोगों के घर जा करके उनके कागज़ मंगवा करके उनको है जो कि आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है।